आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था पत्थर की पटिकाओं में लिख के दिया ताकि ये मनुष्य इसे देखे और इस पत्थर से जो लिखा गया पत्थर के ऊपर ये मिटने ना पाए। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो पत्थर की दो पटिकाएं जो 10 आज्ञाएं थीं वो परमेश्वर का वचन ही है जो हम आज सीख रहे हैं। और वो चीज़ें परमेश्वर के लोगों के साथ साथ बनी रहती थी तो हम जय पाते थे। बाइबल गवाह है कि वो एक वाचा के संदूक में वो पटिकाएं रखी जाती थी और वो वाचा का संदूक जहां जहां जाता था वहां वहां आप जय पाते थे। अब आपसे सवाल करूं, उस वाचा के संदूक में रखा क्या था? हाथ उठाओ, ये वचन रखा हुआ था। अब इसकी कीमत समझ में आ गई कि नहीं? उसमें केवल कितने वचन लिखे गए थे बोल के बताइए। 10 वचन, 10 आज्ञाएं प्रभु ने अपने लोगों के लिए दिया, आपको हमें दिया, ताकि हम पाप को जान जाएं और पवित्रता को भी जान जाएं कि पाप कैसे होता है, पाप क्या करता है और पवित्रता क्या करता है। पवित्र होने से हमें क्या मिलेगा, पाप करने से क्या मिलेगा? पाप करने से मौत मिलती है, पवित्र जीवन जीने से अनुग्रह मिलता है परमेश्वर का। आमीन। ये हमें वचन सिखाया और वही वचन आज आपके सामने जब प्रभु बांटता है, आप जब उस वचन को सुनते हो और अपने हृदय के लिए अपने हृदय में उसे जगह देते हो तो आप स्वयं एक पत्री बन जाते हो। आप स्वयं क्या बन जाते हो? आप एक पत्री बन जाते हो, एक लिखी लिखावट, एक लिखी हुई पत्री। आप जहां भी जाएंगे, जिधर कोने में जाएंगे, आप यीशु मसीह को लेकर जाएंगे। आज भी यीशु मसीह को आप लेकर जा रहे हैं। जब आप किसी से बोल रहे हैं, आप स्वयं एक बाइबल हैं, स्वयं आप एक वचन, आप एक पत्री की भांति हैं, आपके हृदय पर लिखा गया है। अब जो हृदय पे, आपके हृदय पे लिख उठा है उसे चमकने की जरूरत है, उसे धूल मिट्टी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। वो जितना चमकता है, जितना साइनिंग आएगा आपके हृदय में, उतना ही आपने जो वचन ग्रहण किया आपके लिए पूरा होगा। जहां आप जाओगे, जिसे आप दोगे, उसके जीवन के लिए पूरा होगा। शायद कोई कहेगा कि आओ जी, मैंने 4 दिन पहले उसके लिए प्रार्थना किया, आज वो बिल्कुल फिट हो गया भाई, मैंने दुआ किया आज वो चंगा हो गया। ये आपकी, आप शुद्ध तरीके से जीने का प्रतिफल है, पवित्रताई में जीने का परिणाम है। या मैं उसके घर गया, उसके साथ खाना खाया, उसका हृदय अच्छा हो गया। ये क्यों प्रभु आज आपको समझाना चाहता है कि आप एक सुसमाचार लेके जाने वाले पत्री बन जाएं। केवल आप अपने ही जीवन का सुधार नहीं, यीशु मसीह केवल आपके लिए ही नहीं आया, वो चाहता है कि वो आपके द्वारा और दूसरों को भी छूना चाहता है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की किताब हो जिसे लोग पढ़ सकें। आप जहां भी जाएं लोग आपको पढ़ना चाहेंगे, आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देखना चाहेंगे, आप जहां भी जाएंगे लोग आपको समझना चाहेंगे कि आखिर एक मसीही लाइफ कैसे होता है, एक मसीही जीवन कैसे होता है। चलो जी, आज हमारे यहाँ एक मसीही आया, एक विश्वासी आया, चलो उससे बात करते, क्या उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर क्या खासियत है। दिखने में बच्चा है या दिखने में साधारण है, वो बहन दिखने में साधारण लग रही है, पर उसकी जो जुबान से बातें वो मौत को भी हरा देती है यीशु के नाम में। किसको हरा देती है वो? मौत को हराने वाली है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखता है कि आप एक नई सृष्टि की भूमिका में जीना है, पुरानी बातें आप में से बीत गई हैं, सब कुछ आप में क्या हो गया है? नया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब
नया दाखरस है वो नई मस्कों में रखा जाता है। मस्क का मतलब समझते हैं कि नहीं? चमड़े का बना हुआ पात्र। चमड़ा अगर जितना पुराना होगा वो क्या होता जाएगा? सिकुड़ता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा, है या नहीं बताओ? धूप में चमड़े को डाल दो क्या होगा? सिकुड़ेगा। बाइबल समझा रहा है कि अगर आपका मस्क पुराना है और दाखरस भले ही नई हो, दोनों नष्ट होंगे। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि मेरा शरीर तो ठीक है, चलो मेरा शरीर पवित्र हो गया। जब आपका शरीर पवित्रताई की भूमिका में जीने लगा तो चिंता मत करो, ये जो दाखरस नया है आपके बॉडी में ठहर जाएगा, रुकेगा आपको फलवंद करने के लिए। पर जिसका मस्क अभी भी पुरानी है, जिसका शरीर अभी भी पुराना है, मतलब अभी भी पुरानी चाल, पुरानी भूमिका, पुराना तमाम व्यभिचार, तमाम ऐसे गुनाह जो आपको नहीं करना चाहिए, आप मसीह में आकर वही चीज कर रहे हो, ये मैं समझा रहा हूं कि ये आपके अंदर जाएगा तो, पर दोनों को दोनों खत्म हो जाएगा। मतलब आपका शरीर भी खत्म होगा और ये वचन भी निष्क्रिय हो जाएगा, कोई काम का नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि तेरा मस्क भी नया हो, और ये वचन तो नया ही है, आमीन। दोनों नए रहेंगे लंबे समय तक, आप आशीष के कारण बनेंगे यीशु के नाम में। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? आज प्रभु समझाना चाहता है कि आप मसीह में, आपका उत्तरदायित्व क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या है, आप कौन सी जिम्मेवारी में आपको चलना चाहिए। क्या आप इतना ही जिम्मेदारी है कि बस आप चर्च आते हैं और आप आशीषों को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने परिवार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए केवल आशीष चाहते हैं, बस यही है क्या आपका विश्वासी जीवन? प्रभु समझा रहे हैं कि ये विश्वासी जीवन नहीं है केवल, ये तो स्वार्थ का जीवन है, ये स्वार्थ का जीवन है। क्योंकि यदि आप एक मसीह होकर, यदि आप एक विश्वासी बनकर दूसरों के लिए आशीष के कारण नहीं बनते तो आपका जीवन सही नहीं। आपने वचन ग्रहण किया, आपने सुसमाचार सुना, और उस सुसमाचार के जरिए से आपने अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव को देखा, बेहतर रास्ते को देखा, या बड़े छुटकारे को देखा। लेकिन मैं ये कहूं कि क्या सुसमाचार केवल आप तक ही सीमित है? यह बुरा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि यह सुसमाचार, ये वचन केवल आप तक सीमित हो, केवल वो आपके गांव तक रहे, केवल वो आप तक रहे। इसलिए पौलुस कहता है कि आप मसीह की एक लेटर हो, एक पत्री हो, आप जहां जाओ लोग आपको पढ़ सकें, लोग आपको देख सकें। क्या देख सकें? आपके जीवन से सुसमाचार को पा सकें, आपके मुख से सुसमाचार को सुन सकें। क्योंकि सुसमाचार बांटने की चीज है, सुसमाचार दूसरों को देने की चीज है। अगर हमारे पास पहुंचा है तो जिम्मेवारी है कि दूसरों के पास भी जाए, क्योंकि उसे सुसमाचार की जरूरत है, उसे सुसमाचार की आवश्यकता है। आमीन कहिए। लूका अध्याय 2 वचन 10 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। लूका अध्याय 2 वचन 10, लिखा क्या इधर देखें। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन। आप क्या समझ रहे हैं? सुसमाचार केवल आपके लिए है? जिन्होंने समझा कि सुसमाचार केवल मेरे लिए है, तो मैं समझता हूं कि आप स्वर्ग के लिए कोई धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं।
आपको मैं स्पष्टता से कहता हूं कि दूत ने क्या कहा, मैं तुझे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। सुसमाचार एक पावर है, पड़ोसी को हिला के बोलो सुसमाचार एक शक्ति है। ऐसे से थोड़ा से, सुसमाचार एक शक्ति है, सुसमाचार हमारी शक्ति है, सुसमाचार हमारा जीवन है। आमीन। कुछ लोगों ने कहा आपने क्या सुना, उन्होंने कहा कि ओ यीशु मसीह के बारे में कोई तो बता रहा था। हाँ या शायद ऐसे मैंने भी सोचा था, कोई आदमी आया था सुसमाचार देने के लिए घर में, वो मैंने कहा ये क्या बता रहा है, धरती बना, आकाश बना, पाताल बना, ये सब बना, वो सब बना। थोड़ी देर में वहां खड़ा रहा, पागल कहीं का, आकाश बना, धरती बना, पाताल बना, कौन बनाया, तू क्या बताए। और तो मैं वहां से चला गया, मैं वहां से, वो केवल उत्पत्ति का किताब पढ़ रहे थे, ये परमेश्वर ने आदि में ये सब 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 बनाया, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सुनाने वाला बड़े मन के साथ सुना रहा था, और मैं वहां से शायद हो सकता है एक या दो वचन सुना और फिर वहां से मैं चला गया। दस साल से पीड़ाओं में मैं दर्द में था, दवा खा करके जिंदगी जी रहे थे, मैं चल भी नहीं पा रहा था। 1,00,000 में 1 व्यक्ति को वो मर्ज होता है जो मुझे हुआ था। 1,00,000 आदमी में ढूंढोगे तो 1 आदमी को वो मर्ज मिलेगा जो हमें हुआ था। या आप सोच लो, 2 लाइन सुसमाचार सुना और अनिच्छा पूर्वक वहां से मैं चला गया। पर जब प्रभु ने हमें बुलाया, 2 हफ्ते भी नहीं लगे, सारी तकलीफें जो 15 साल 10 साल से थी, 2 हफ्ते नहीं लगे, मुझे पता ही नहीं चला, एक स्वप्न के जैसे था, वो खत्म हो गया। आमीन। ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, आप इसे सुनो। सुसमाचार सुनने में बहुत सरल है, पर इसकी सामर्थ्य मुर्दों को जिंदा करती है। आमीन। एक बाप परेशान था अपने बेटे को लेकर के, और वो कुछ लोगों को बुला के लेके आया और बोला कि इसमें से दुष्ट आत्मा है, इसको निकालो ताकि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। वो नहीं निकाल सके। प्रभु ने कहा मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा भैया, तुम रेडी नहीं हो रहे हो आत्मा में। और वहां पर लिखा है कि वो लोग प्रभु के पास लेके आए, यीशु के पास लेके आए उस व्यक्ति को जो मर रहा था, और जैसे ही वो यीशु के पास आता है उसी क्षण प्रभु ने उसे चंगा कर दिया, और उसकी मृत्यु वाली बीमारी जो मृत्यु दे सकती थी, मौत दे सकती थी, वो उधर से निकल के चली गई यीशु के नाम में। आप समझो कि आज अगर आप सुसमाचार पा रहे हो, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। जैसा कि अंधे को लाठी मिल जाए, या अंधे को रोशनी मिल जाए, या किसी गरीब या बहुत लाचार व्यक्ति को खेत में, वो अपना फावड़े से अपने खेत में काम करता रहे, उसे सोना और चांदी मिल जाए, कुछ ऐसे ही है सुसमाचार। बाइबल कहता है कि जो मेरे पुत्र का आदर करता है, पिता का सुसमाचार यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लाता है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह देता है, पिता उसका क्या करेगा, आदर करेगा। आदर पिता करेगा पुत्र के कारण, आपका हमारा। आमीन। एक सुसमाचार क्या है, वो सुसमाचार आप जानते हैं कि हमारे लिए कोई स्वर्ग छोड़ दिया, सही है, आपके लिए हमारे लिए कोई स्वर्ग छोड़ दिया। वो परमेश्वर का पुत्र था और वो धरती के ऊपर आ गया, किस लिए आ गया, ताकि हम मानव जाति पाप से बाहर आ जाएं, क्योंकि हम इंसान हड्डी और मांस पाप से कभी भी लड़ नहीं सकता, हड्डी और मांस में हम कभी भी पाप को हरा नहीं पाएंगे। अभी आपने एक जवान बेटी का गवाही सुना कि नहीं सुना,
उसमें शर्माने की बात नहीं, ना तो आप कभी शर्माना गवाही देने में। अगर आप शर्म करोगे तो याद रखना बाइबिल का वचन आपके लिए पूरा होगा। कौन सा वचन? पिता भी, स्वर्गदूत भी या यीशु मसीह भी आपसे शर्माएगा। आपको नो एंट्री का आपको आपके लिस्ट में नो एंट्री लिख उठेगा। याद रखना है कि जिसके जिंदगी में छोटा काम हो बड़ा काम हो गवाही दे सकते हो, जिससे लोगों का जीवन आशीषित हो सकता है, उस गवाही को कभी अपने छुपाना नहीं, उसे जल्द ही जाकर नोट कराओ। तुम जितनी बड़े समस्या से छुटकारा पाकर गवाही दिए हो ना, उससे बड़ी बरकत आपके हाथ में आने वाली है यीशु के नाम में। ये है गवाही का पावरफुल सिस्टम। कुछ लोग सोचते हैं अरे जी चलो होता, पड़ोसी तो बता ही दिए हैं। आप बड़ी गवाही के साथ हो, छुपाओ नहीं। यीशु मसीह आखिर आपको चंगा क्यों किया? उसने जब एक व्यक्ति को चंगा किया और कहा जा चढ़ावा चढ़ा जो मूसा ने ठहराया, ताकि लोगों के ऊपर गवाही हो, लोग गवाही सुने। किसने चंगा किया? तू कोढ़ से ग्रसित था, किसने तुम्हें ठीक किया? जब आप इस चीज को बताते हो, पिता को क्या मिलता है? महिमा मिलता है, यीशु को महिमा मिलता है, और आपकी जिंदगी अब अगले स्तर पर और ऊंचा होने वाला है यीशु के नाम में। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? आज सुसमाचार, जब आप किसी के पास गए, आपने उसे दो शब्द, एक मिनट रुककर आपने उसे सुसमाचार नहीं दिया। उसे तलाश है सच्चे परमेश्वर का। दुनिया खोज रही है सच्चे परमेश्वर को, जैसे आप खोज रहे थे, हम खोज रहे थे। आप जब सुसमाचार को बोलते हो तो आपके भीतर से कौन जाता है? आपके अंदर से कौन बात करता है? यीशु मसीह बात करता है। बाइबल कहती है जो सुसमाचार बताने में शर्माता है वो श्रापित है। आपने अपने पड़ोसी को नहीं बताया, आपने अपने रिश्तेदार को सुसमाचार नहीं बोला, आपने अपने लोगों को सुसमाचार नहीं बताया। आपको पता है कि यदि आपने उसे सुसमाचार बता दिया होता, वो मौत से बाहर आ जा सकता, वो बीमारी से बाहर आ सकता था, मौत से बाहर आ सकता था, लेकिन आप वहीं खड़े रहे, आपने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। यीशु कैसे जाएगा आपके अंदर? वो तो आपको इसलिए चंगा किया ताकि आपके भीतर से वो दूसरों के भीतर जा सके। आमीन। बातों को समझ रहे कि नहीं? इसलिए चलिए पहला कुरिन्थियों का किताब पढ़िए, अध्याय 1:18 में क्या लिखा है हम आपके लिए पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। और वहां लिखा है कि क्रूस की कथा अर्थात सुसमाचार नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। हाथ उठा के सब लोग बोलो परमेश्वर की सामर्थ है। पड़ोसी से बोलो किसके लिए? हाथ उठाओ फिर से बोलो परमेश्वर की सामर्थ है। बगल वाले से बोले किसके लिए? जो यीशु पर भरोसा रखता है, जो सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसके लिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, हमारी सामर्थ है, हमारा जीवन है। आमीन। बातों को समझना इस बात के लिए। प्रभु ने आज्ञा दिया और वहां पर स्पष्ट लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। आप जानते हैं कि आप जब परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य वही होती है जहां पर परमेश्वर का चलन होता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां पर दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी, बीमार चंगे किए जाएंगे, वहां पर परमेश्वर का राज्य आ चुका है। आमीन। और जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते हो, ये एक अलौकिक बात है। आपका हड्डी और मांस तो दिखता रहता है, लेकिन आपके अंदर, आपके जीभ के अंदर, आपके ओंठों में एक सामर्थ्य होती है। कौन सी सामर्थ्य? जब आप अपने बेटों के लिए दुआ करते हो, जब आप अपने नाती पोतों के लिए प्रार्थना करते हो, जब आप अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हो, वो स्थितियां बदलने लगती हैं। आमीन। बोलो कब? जब हम उसकी सामर्थ्य को लेके चलते हैं। आमीन। हाथ उठा के बोलो परमेश्वर की सामर्थ्य को
जब हम लेकर चलते हैं, अर्थात सुसमाचार को लेकर चलते हैं, परिस्थितियां सही होंगे। जो बुरी हैं, जो टूटी हुई हैं, जो बिखरी हुई हैं, वो सही होगा। क्यों? पड़ोसी से बोलो, क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। सामर्थ्य मिलने का मतलब, आपको सामर्थ्य मिलेगा, लेकिन वो सुसमाचार का आदर आप में है कि नहीं। सुसमाचार, अभी हमने पढ़ा क्रूस का कथा, मतलब सुसमाचार। सुसमाचार पर अगर आप विश्वास करते हैं, मतलब आप सुसमाचार का आदर करते हैं, मसीह का आदर करते हैं, तो याद रखना है आपका शरीर, आपका आत्मा अब सामर्थ्य को लेकर चलेगा। किसकी सामर्थ्य लेकर चलेगा? वह सामर्थ्य जो आपके अंदर हर बीमारी को आने से रोकेगा, पहली बात। दूसरा, वह सामर्थ्य जो दूसरों को भलाई करेगा आपके अंदर रहकर। आमीन बोलिए। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरे पास दो कुर्ते हैं तो एक दूसरों को दे दे, अगर आपके पास दो अच्छे कपड़े हैं तो एक मांगने वाले को क्या कर। आप लोग देते हैं कि नहीं देते? सच में बताओ भाई, अगर आपके पास पहनने के लिए ज़्यादा कपड़े तो हाँ जी चलो ये मांगने के लिए आए, इन्हें भी दे सकते, इन्हें भी दे दो। प्रभु कह रहा है कि जो आपके भीतर है वो केवल आपके लिए ही नहीं, परंतु वो दूसरों के लिए भी ज़रूरत को पूरा करने वाला बने। आमीन। और इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि क्रूस की जो कथा है, नाश होने वालों के, जो समझते हैं कि क्रूस की कथा कुछ भी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, उनके लिए कोई मतलब नहीं, पर जो उस सुसमाचार पर भरोसा रखते हैं, जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सुसमाचार सामर्थ्य है। क्या है भाई? आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए क्या है? सामर्थ्य है। जरा सोच के देखो, अभी मैं कुछ दिन पहले एक ऐसी छोटी सी बच्ची के लिए प्रार्थना करने के लिए हॉस्पिटल गया। कभी कभी आप हमें हॉस्पिटल में देख सकते हैं, कुछ लोग देखते भी हैं। आप कहाँ जी, क्या करने आए जी? मेरा काम है। और आप जानते हैं कि उस छोटी सी बच्ची का जो तबीयत था बहुत ख़राब था, यहाँ तक कि उसका दोनों किडनी फेल हो गया था, लैट्रिन पेशाब नहीं हो रहे थे, बंद, कुछ भी नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम था, बहुत समस्या था। लेकिन याद रखना, हाथ पांव, छोटी बच्ची, 2.5 साल की बच्ची, इतने मोटे मोटे पैर, हाथ इतने मोटे मोटे, सब किडनी दोनों क्या हो गया, फेल हो गया, होल हो गया, अब ये जीवित नहीं रह सकती, ऐसा कुछ लोगों को आशा था। वहाँ जाने के बाद प्रेयर किया, हाथ उस बच्ची के पेट पर, दोनों किडनी के बगल हाथ रखकर प्रेयर किया। हम और हमारी पत्नी और टीम साथ में थी। प्रेयर करने के बाद दूसरे दिन से खुशखबरी मिलना शुरू हुआ, और कल पता चला वो बाहर आ गई है, हॉस्पिटल से सही है। अब इस बात को समझिए, उसके हाथ और पाँव नॉर्मल हो गए, जो बहुत फूले हुए थे नॉर्मल हो गए, और किडनी काम करने लगी। अब पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं, लैट्रिन और पेशाब के लिए पाइप लगा हुआ था, प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त था, बगैर पाइप के लैट्रिन या पेशाब नहीं हो पाता था उस बच्ची का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज की तारीख में यीशु मसीह ने 8 दिन या 10 दिन के भीतर उसे चंगा किया, और वो हॉस्पिटल से बाहर गए यीशु के नाम में। ये आपका यीशु करेगा। आमीन। अगर आप ये सोचे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वहाँ प्रेयर करने के लिए नहीं जाना है, मुझे वहाँ प्रार्थना करने के लिए नहीं जाना है, आपको जाना ही है। कोई सगा संबंधी, कोई कुछ भी हो, अगर आपको बुलाता है, आप वहाँ जाओ, उसके लिए प्रेयर करो। मैं कहता हूँ आप प्रेयर करके वापस आओ, खुशखबरी मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
याद रखना है, यीशु आपके अंदर, अभी तो मैं बोल रहा हूं, आप जब सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार को तोड़ते नहीं है। खाना नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे अंदर का सुसमाचार टूटेगा। उसे पाप की परिस्थिति में घसीट के नहीं ले जाना, उसे झूठ की परिस्थिति में घसीट के नहीं ले जाना, उसे व्यभिचार की परिस्थिति में घसीट के मत लेके जाओ। सुसमाचार को अपने भीतर सुरक्षित रखो और देखो यहोवा आपके साथ रहकर कितने बड़े बड़े काम करता है। यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।